गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के एरिया के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो हमारी ये जो यूनिट 11 है, इसमें जनरली हम कवर करेंगे एरिया ऑफ ट्रापेजियम, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर एंड एरिया ऑफ रोम्बस। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर एंड द एरिया ऑफ रोम्बस। हमारे जो नेक्स्ट पीरियड है, हम उसके एरिया ऑफ ट्रापेजियम को डिस्कस करेंगे। तो इस दोनों की एरिया से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है यूनिट 11.1, तो कोशिश कीजिएगा उसको करने के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, इट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स एंड एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं अबाउट द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। जो हमने हमारे लास्ट प्रीवियस यूनिट था, इसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स मीन्स द एरिया या द ज्योमेट्रिकल फिगर हैविंग फोर साइड इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के ऊपर हमने डिस्कस किया था। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में आपका स्क्वायर आएगा, रेक्टेंगल आएगा, रोम्बस, ट्रापीजियम, काइट्स, ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स है। तो हम देखते हैं स्पेसिफिकली जब हमारे पास आएगा क्वेश्चंस रिलेटेड टू मेजरेशन के क्वेश्चंस रिलेटेड टू द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, तो उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। पहले इसका हम एरिया डिराइव करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमें दिस इज ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। हियर A B C D is a quadrilateral. A B C D is a quadrilateral and B D is the diagonal. B D is the diagonal. मैंने कहा था diagonal, it is the line which joins the opposite vertex. ऐसा line जो opposite vertex को join करता है, हम उसको diagonals बोलते हैं। तो यहाँ पे diagonals हमारे हो गया B D. देन हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा। नाउ ड्रॉ ए हाइट, परपेंडिकुलर हाइट। नाउ ड्रॉ ए परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है, ऑन द डायगोनल्स, ऑन द डायगोनल्स फ्रॉम बोथ द वर्टेक्स, बोथ द वर्टेक्स। हमें क्या करना है ना, वो दी वर्टेक्स ए वर्टेक्स और सी वर्टेक्स है, दोनों से ही एक एक परपेंडिकुलर हाइट को ड्रॉ करना है एबव द डायगोनल्स बीडी के ऊपर। तो हमने यहाँ पे अभी एक परपेंडिकुलर हाइट ड्रॉ किया है जिसका नाम हम दे देते हैं ए एम। नेक्स्ट यहाँ पे हम सी से ड्रॉ करते हैं सी एल। ठीक है, अभी हमारा डायग्राम कंप्लीट है, फिगर हमने ड्रॉ कर दिया। देन हमें डिराइवेशन करना है, व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, हम डिराइवेशन देखते हैं। ये ए बी सी डी इज ए क्वाड्रेटर, ए बी सी डी एक क्वाड्रेटर है। डायगोनल बी डी डिवाइड्स द क्वाड्रेटर इंटू टू इक्वल इंटू टू ट्रायंगल्स। ठीक है, अभी जो डायगोनल बी डी है, ये क्वाड्रिलेटरल्स को टू ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है। कौन सा ट्रायंगल है? फर्स्ट ट्रायंगल हम देखेंगे, फर्स्ट ट्रायंगल का नाम क्या है? एबीडी ट्रायंगल। ठीक है, एंड सेकंड ट्रायंगल हो गया आपका बीसीडी ट्रायंगल। सेकंड हो गया बीसीडी ट्रायंगल। ठीक है, कहने का मतलब है एक क्वाड्रिलेटरल्स है जिसके डायगोनल्स जो है वो ट्रायंगल्स के, या हमारे क्वाड्रिलेटरल को टू पार्ट में डिवाइड कर रहा है। फर्स्ट ट्रायंगुलर आपका जो ये है एबीडी ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल है बीसीडी। ठीक है, अभी हमें डिराइव करना है व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हम इसको देख लेते हैं, पहले डायग्राम में ये कर देते हैं। हमारा जूनियर क्लासेस में भी क्लास 7 में हमने इसके ऊपर डिस्कस किया था। तो हम देखेंगे एरिया ऑफ ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू क्या होगा ना, एरिया ऑफ ए बी डी ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ बी सी डी ट्राइंगल। ठीक है, पूरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या है ना, एरिया ऑफ एबीडी ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ बी सी डी ट्राइंगल। एरिया ऑफ एबीडी ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस। इस चीज को हम इस पार्ट को भूल जाते हैं, एबीडी ट्राइंगल है ना, ऐसे ड्रॉ किया हमने एबीडी ट्राइंगल, इसको हमने यहाँ पे आपने हाइट ड्रॉ किया है। हाइट मीन्स द परपेंडिकुलर लाइन व्हिच इज ड्रॉन फ्रॉम दी वर्टेक्स ऑन दी बेस। ठीक है, हमने यहाँ पे वर्टेक्स से ड्रॉन किया है बेस, बट ये आपका
हाइट हो गया, हमने एम नाम दिया इसको। तो हाफ इनटू बेस क्या होगा इस ट्रायंगल का, इस बीडी इनटू हाइट हो गया ए। ठीक है, यहां हम इसको एच आर कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम एम के बदले एच आर पुट अप करेंगे। सेकंड एरिया ऑफ बीसीडी ट्रायंगल, तो इसका भी होगा हाफ इनटू बेस। इस ट्रायंगल का तो बेस भी यही होगा बीडी इनटू हाइट हो गया आपका सीएल। इस हाइट का हम एच टू कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब इसमें कॉमन फीचर्स हाफ बीडी हाफ बीडी ले लेते हैं। हाफ इनटू बीडी तो आपका ब्रैकेट में रहेगा ए एम प्लस सी एल, तो हो जाएगा हाफ इनटू बीडी। ए एम के बदले मैंने कहा था हम एच वन पुट करेंगे, इसके बदले एच टू। दैट मीन्स ये आपका डिराइवेशन हो गया एरिया ऑफ क्वाड्रेटर। तो फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इनटू डायगोनल्स, हाफ इनटू डायगोनल जो भी डायगोनल आपको दिया गया होगा, इनटू द सम ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, सम ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस ऑन द बेस, ऑन द बेस फ्रॉम वर्टेक्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका द फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटर्स का। जब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, हाफ into diagonals into sum of perpendicular lines या sum of heights drawn from the vertex to the base। तो area of quadrilateral is related question हमारे question number 1 में है। इसमें दे रखा है क्या है, find the area of a quadrilateral whose one diagonal is 32 and perpendicular from the opposite vertices is 14 and 10। तो यहीं पे कर लेते हैं, diagonals दे रखा है 32, एक हाइट 14 है, next है 10। तो हम इसको कैसे calculate करेंगे, वैसे ही फॉर्मूला लिखना है, वी नो द एरिया ऑफ क्वाड्रेटर इज इक्वल टू हाफ इनटू डी1 या डायगोनल्स इनटू सम ऑफ हाइट्स या सम ऑफ पर्पेंडिकुलर लाइंस, तो h1 इनटू s2, तो हाफ इनटू डायगोनल्स आपका 32 हो गया, इनटू सम ऑफ हाइट्स एक 14 एक 10, तो हाफ इनटू 32 इनटू 24 टू 12 मल्टीप्लिकेशन करके जो भी आंसर आएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक है, इट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है जरा देखते हैं, डिराइवेशन करते हैं अबाउट द एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है, नाउ हमें ड्रॉ करते हैं। डिराइवेशन के बाद क्वेश्चंस अपने आप हो जाएगा, जो भी डाउट्स हैं क्लियर करवाएंगे। कल हम देखेंगे अबाउट द एरिया ऑफ ट्रैपेजियम एंड इसका जो डाउट्स रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लिखेंगे हियर ए बी सी डी इज ए रोम्बस। हमारी प्रीवियस क्लासेस में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस के ऊपर डिस्कस किया था। रोम्बस प्रॉपर्टीज क्या है, ऑल द साइड्स आर इक्वल, दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रेटर, एंगल्स आर नॉट 90 डिग्री, स्क्वायर की तरह ये भी है बट इसका एंगल्स 90 डिग्री नहीं होता, ऑल द साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल बट बाइसेक्ट एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, डायगोनल्स इक्वल नहीं है लेकिन एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, मीन्स इक्वली डिवाइड करता है, एंड जब डिवाइड करता है दे आर परपेंडिकुलर एंड राइट एंगल टू ईच अदर। ठीक है, ये आपका प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस। तो जब हम इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, हियर ए बी सी डी इज ए रोम्बस एंड बी डी एंड ए सी आर टू डायगोनल्स, यहाँ पे दो डायगोनल्स है जो आपका ए सी एंड बी डी है, फर्स्ट डायगोनल एंड ये हो गया आपका सेकेंड डायगोनल। ठीक है, तो इसमें भी वही है, हियर टू डायगोनल्स इट डिवाइड्स द रोम्बस इनटू टू ट्रायंगल्स, ये जो है दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, ट्रायंगल वन ट्रायंगल टू, इसका हम नाम दे देते हैं के। ठीक है, बाइसेक्टिंग पॉइंट में तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ एबीडी ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ बीसीडी ट्रायंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ एबीडी ट्रायंगल इसका क्या होगा, हाफ इस पार्ट को इसको देख लीजिए, एबीडी ट्रायंगल हाफ इनटू बेस क्या है बीडी इनटू हाइट हो गया एके। सेकंड में एरिया ऑफ बीसीडी ट्रायंगल में हाफ इनटू बेस हो गया आपका बीडी इनटू हाइट हो गया सीके। ठीक है, हाफ इनटू बीडी इनटू एके प्लस हाफ इनटू बीडी इनटू सीके। ठीक है, देन कॉमन फीचर हाफ इनटू बीडी, सो कॉमन
फॉर्मूला डी टू। समझ में आया? देन इसी के अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव किया है, व्हाट इज द एरिया ऑफ रोम्बस, हाफ एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू और हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल्स डिवाइडेड बाय टू, ये आपका हो जाएगा द एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया अबाउट द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ रोम्बस, इस रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको कोशिश कीजिएगा। हमारे नेक्स्ट पीरियड में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एरिया ऑफ ट्रापेजियम और 11.1 यूनिट का जो भी आपके क्वेश्चन है, डाउट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग है। जब इस क्वेश्चन को तुम सॉर्ट आउट करोगे ना, आप लोगों को बहुत मजा आएगा इसमें करने के लिए। जो भी डाउट्स है उसको सेंड कर दीजिएगा इस रिलेटेड, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स एंड एरिया ऑफ रोम्बस के रिलेटेड। ठीक है, थैंक यू।